अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज ही मैं आपको बहुत ही मज़े का डिलाइट और जी डिज़र्ट की रेसिपी देने वाली हूँ। मज़े की खीर जो कि शादियों पे बनती है, इसमें जो जो इज़्ज़त यूज़ होंगे वो जी आप नोट डाउन कर लें। माशाल्लाह से ये आपका प्यार है जो आप मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके फ्रेंड भी इसे फ़ायदा उठा सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। और जी डिज़र्ट के लिए मैं फुल क्रीम मिल्क और पल ही यूज़ करती हूँ। आप सिंपल हॉल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी। इससे ये होता है कि क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। जी मैंने 1 लीटर ले लिया था और पल का मिल्क, ये क्रीम मिल्क होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। और ये राइस ले लिया था मैंने, ये टोटा राइस होता है, आप कोई हॉल राइस भी ले सकते हैं। और ये कच्ची का राइस है, कच्ची के राइस से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आपको जो पसंद हो राइस आप वो ऐड कर सकते हैं। और ये है जी खोया, फीका खोया ले लिया था मैंने, और इसमें ऐड होगा शुगर, और जी इसमें ऐड होगा क्रश आलमंड, उसको क्रश कर लेना है बादाम को। और खुशबू के लिए यूज़ होगा जी छोटी इलायची का पाउडर बना लेना है आपने। और जी इसमें फ्लेवर देने के लिए यूज़ होगा केवड़ा, जिसको रोग केवड़ा भी कहा जाता है। ये खीर की जान है, इसमें तो मस्ट डलेगा ये रोग केवड़ा। और जी अब हम बनाएंगे खीर, चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पतीली ले ली थी, उसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। अब जी जितनी देर में हमारा मिल्क बॉयल होगा, हमने राइस को भिगो लिया था। और जी अब राइस को भिगोने के बाद आपने जो है अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसके पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे हो जाएं और खीर में बहुत यम्मी लगते हैं। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और इसके पीसेस को छोटा छोटा करते जाना है। अब जी हमारा मिल्क हो गया है बॉयल, अब हम इसमें राइस डालेंगे। तकरीबन 1 कप, 1 किलो दूध है, इसमें 1 कप राइस डाल देने हैं जो कि मैंने हाथ से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। और फ्लेम को बिल्कुल लाइट करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने ढांप देना है। मिक्स करने के बाद जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे राइस, तो फिर हम इसका नेक्स्ट मेथड करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जी देखिए हमारा राइस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी खोया, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है, ये फीका खोया था। और जी इसमें इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो डिलाइट है, डिज़र्ट है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा रखना चाहिए और ये बहुत मज़े का रखता है। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे जी इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस तकरीबन 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं ऐड करना तो ये कड़वा हो जाएगा। क्रश आलमंड किए हुए थे मैंने, वो इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको लाइट लाइट सा कुक करना है। और ये बात याद रखें कि आपने मुसलसल इसमें स्पून जो है वो स्टिर करते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये जो खीर है, ये जो राइस है, ये नीचे स्टिकी हो जाते हैं, नीचे लग जाते हैं। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब हमारी बहुत ही यमी सी डिलीशियस डिलाइट और डिज़र्ट हो गई है तैयार, यमी सी खीर तैयार हो गई है, नवाबी खीर। और जी अब हम चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट स्टेप, इसकी गार्निश करते हैं। देखिए जी गार्निश को, माशाल्लाह से हमारी यमी सी डिलीशियस सी डिलाइट नवाबी खीर हो गई है तैयार। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको ईद स्पेशल बनाएं और ईद पर स्पेशल फ्रेंड्स के लिए इसको रेसिपी को ट्राई करें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे जी एक न्यू उम्मीद के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ, स्पेशल रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।